नमस्कार, केपी एक्सप्रेस कर्नाटका में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं कर्नाटका की 20 अहम सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि वह फरवरी के दूसरे सप्ताह में जनसमर्थक बजट पेश करेंगे। कर्नाटका में हिंसा में शामिल लोगों की संख्या में 6 गुना वृद्धि, डेटा से मिली जानकारी। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कर्नाटका का 3 दिवसीय दौरा रद्द किया। कर्नाटका में दिसंबर में भेजे गए 232 सैंपल में से 203 ओमिक्रॉन वेरिएंट्स XBB मिला। कृष्णा जल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई फिर से शुरू करने के लिए बेंच को फिर से अधिसूचित करेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाली पालतू दुकानों पर कार्रवाई करेगी कर्नाटक सरकार। 28 मामलों का सामना कर रहे केस मंजुनाथ उर्फ सेंट्रो रवि को शुक्रवार को अहमदाबाद में गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक चुनाव, सिद्धरामैया की ईश्वरीय इच्छा का वीडियो वायरल। एस्कॉम का निजीकरण करना चाहती है कांग्रेस, बीजेपी मंत्री ने बताया। सेंट्रो रवि से पूछताछ जज के सामने पेश किया जाएगा, मैसूर पुलिस का कहना। कर्नाटक पंचम सालियों के लिए सेकेंड डे कोटा, प्रदर्शनकारियों ने NH4 को जाम कर दिया। डीके शिवकुमार, सिद्धरामैया से अल्पसंख्यक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। सिर्फ एक सीट से चुनाव लड़ेंगे कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरामैया। छात्र से मारपीट, कर्नाटक में 6 के खिलाफ शिकायत दर्ज। कर्नाटक के हुबली में फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की ऑफ कैंपस सुविधा। कर्नाटक में जंबो हाथी गड्ढे में गिरा, तलाशी के दौरान हुई मौत। शिमोगा में एक परिवार के 3 लोगों ने जीवन का अंत कर लिया। न्यू मैंगलोर पोर्ट 2023 में चौथा क्रूज स्टॉप होगा। कर्नाटक बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस मुफ्त बिजली का वादा, बिजली कंपनियों का निजीकरण करना है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दुखद मेट्रो निर्माण घटना का संज्ञान लिया। केपी एक्सप्रेस कर्नाटक में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।